आज हम बनाएंगे दो तरीके से कंडेंस्ड मिल्क, और वो भी घर के सामान से, बिल्कुल बाजार जैसा और बाजार से भी सस्ता। कंडेंस्ड मिल्क से आप विदाउट केक, कोई भी फलाहारी हलवा, मिठाई, आइसक्रीम बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं कंडेंस्ड मिल्क बनाना। तो कंडेंस्ड मिल्क के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, और इसे हम नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर मोटे तले वाले बर्तन में डालेंगे और इसे उबालेंगे। तो देखिए दूध हमारा उबल चुका है, और अभी हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसके बाद हम डालेंगे 100 ग्राम चीनी और 1 पिंच बेकिंग सोडा। तो अभी हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे तले में ना लगे, और बेकिंग सोडा डालने से दूध ऊपर भी उठने लगता है, तो इसलिए हमें इसे चलाते हुए ऐसे ही पकाना है जब तक कि दूध हमारा आधा न रह जाए। तो ऐसे ही लगातार चलाते हुए हमने दूध को गाढ़ा कर लिया है, और इसका कलर देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया इसका। और अभी हम इसे एक बर्तन में डाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कंडेंस मिल्क और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। दूध से कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो चुका है। तो दूसरे तरह का कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, आधी कटोरी पाउडर शुगर, और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे हम, और इसे मिक्सर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा पिंच बेकिंग सोडा, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर एक कढ़ाई में इसे हम डाल देंगे और गैस को ऑन करेंगे, और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, और इसे अच्छे से चलाते हुए हम पकाएंगे। मिल्क पाउडर से कंडेंस मिल्क बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। दूध से कंडेंस मिल्क बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो कभी भी आप अगर जल्दी में हो तो मिल्क पाउडर से आप कंडेंस मिल्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क को हमें पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे, और ये ठंडा होने के बाद काफ़ी ठीक हो जाएगा। तो दोनों तरह के कंडेंस मिल्क आपको मैं ठंडा होने के बाद दिखाऊंगी। तो देखिए ठंडे होने के बाद दोनों तरह के कंडेंस मिल्क काफ़ी ठीक लग रहे हैं। तो लीजिए दोनों तरह के कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हैं। इसे आप केक, मिठाई, आइसक्रीम या कोई भी फलाहारी हलवे में डाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो एक बार फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।